नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर पुलिस ने बीते दिनों नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए बाइक चालक से लूटपाट मामले का उद्भेदन कर दिया है, जिसमें तीन बदमाशों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है। इसको लेकर एएसपी श्रीटी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीते दिनों सजौर थाना क्षेत्र के ढी दरियापुर निवासी पवन कुमार यादव को बाइक से अपने घर लौटने के दौरान टूटा पुल के समीप अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने उनकी बाइक छीन ली थी। एएसपी ने कहा कि पीड़ित के बयान पर मधुसूदनपुर थाने में केस दर्ज कराया गया और स्थानीय पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल 6 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। इसके अलावा पुलिस ने BR10AL6535 नंबर के चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला स्कूल में रविवार को शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संघ की ओर से कई मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान वेतन की मांगों एवं विद्यालय के समुचित व्यवस्था समेत कई विषयों पर चर्चा हुई, जहाँ शिक्षकों ने अपनी अपनी राय दी। वही बैठक में शिक्षकों ने कहा कि मौजूदा सरकार अगर उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना चाहती है तो पहले उन्हें भी शिक्षकों को समय पर वेतन देना होगा। इधर बैठक के दौरान बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार ने कहा कि जब तक उन लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि अगर शिक्षकों की मांग नहीं मानी गई तो किसी भी विद्यालय में पदाधिकारी के आने पर शिक्षक इसका पूर्णरूपेण विरोध करेंगे। एरियर बकाया है और अभी तक वह नहीं आया है। हम लोग मांग भी किए हैं, समय पे वेतन दीजिए, एरियर दीजिए। आप गुणवत्ता शिक्षा चाहते हैं तो पहले शिक्षक का पेट भरेगा तभी गुणवत्ता शिक्षा होगा। जब पेट ही नहीं भरेगा तो गुणवत्ता शिक्षा कैसे होगा? और विद्यालय का स्थिति को यदि सरकार ये देखना चाहती है, हमने बात भी उठाई थी शिक्षा मंत्री के पास कि जिस समय शिक्षा मित्र का बहाली नहीं हुई थी उस समय विद्यालय में मात्र 10 बच्चा हुआ करते थे, और आज जब हम लोग वहाँ पहुँचे 6 महीना के अंदर में सैकड़ों बच्चा है, आज तो एक एक विद्यालय में हजारों बच्चा है, जिसका परिणाम है कि आज गुणवत्ता शिक्षा का बात होता। कल गुणवत्ता शिक्षा का बात सरकार नहीं करती थी, कहती थी कि ड्रॉप आउट है, बच्चे बाहर हैं, उसको विद्यालय लाइए। अब तो हम लोग विद्यालय ला दिए, गुणवत्ता शिक्षा भी हो रहा, लेकिन हम लोगों का जो वेतन है उसमें गुणवत्ता नहीं किया है। सरकार से मांग किए हैं हम लोग बार बार कि गुणवत्ता यदि शिक्षा चाहते हैं तो मेरे वेतन में भी गुणवत्ता दीजिए, तभी यह संभव है। ऐसे ये संभव नहीं है, फिर भी सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि आप लोगों का जो मांग है उस मांग पे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और बहुत जल्द इसका निदान करेंगे। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफचक मोहल्ले में एक ठग के घर पर पहुंचकर मोहल्ले के लोगों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दरअसल इंदिरा आवास लेने के लिए मारूफचक मोहल्ले के 40 लोगों ने आवेदन दिया था और ठग विनोद रजक के द्वारा इंदिरा आवास के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के घर पर जाकर इंदिरा आवास दिलाने के लिए और कागजात बनाने के नाम पर किसी से 4,000 तो किसी से 9,000 रुपये 2 साल पहले ही ले लिए गए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद ना तो लोगों को इंदिरा आवास मिला और ना ही कोई कागजात ठग के द्वारा दिया गया। वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि वे लोग किसी से कर्ज लेकर पैसा इकट्ठा कर ठग को दिए थे और जब ये लोग पैसा वापस मांगने जाते हैं तो वह घर से फरार हो जाता है, जिसको लेकर आज मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और ठग के घर पर सुबह सुबह पहुँच कर अपने पैसे वापस करने की मांग करने लगे, जबकि ठग के द्वारा पैसा लौटाने के लिए एक बार फिर से समय लिया गया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब इंदिरा आवास में ठगों के द्वारा शहरी इलाके के गरीबों से भी ठगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ठगी का शिकार हुए लोग काफी परेशान हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। इंदिरा आवास रो हाँ कि पास हो गए 4,000 पैसा दे, पास में सब करवा दे, हाँ कागज पत्र सब ओके करवा दे, अभी कुछ हो लोन चार चार दो फोटो ले लें खाओ हाँ और हो पैसा 4,000 ले खाओ। चालीस आदमी रहो 4 बस्ती रहो 40 आदमी रहो दैठो हिनक रहो मारूच करो दैठो राजीव बाबू गली रहो दैठो सालेपुर रहो और दैठो यंकर की कहे है गोड़ी टोला रहो तब कि सब रो पैसा यहाँ खेल छे नहीं लॉकडाउन रो पहले है। ये हम कागज बनाने का पैसा लिया थे। चीज का कागज? कागज सब इंदिरा आवास में सब जो जो कागज लगेगा उसका कागज। कितना पैसा लिए थे? सब दिया है, कोई 3,000 दिया है, कोई 4,000 दिया, कोई 9,000 भी दिया है। 9,000 जिसका 4 ठो पास हुआ वो दिया है।
क्या हुआ पैसा सब? पैसा सब सब हम कागज बनाने में लगाए हैं सर। अभी लोग मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं 2 तारीख को देंगे? हम 2 तारीख को सबको दे देंगे पैसा। तो कागज नहीं बना, पास नहीं हुआ लोग का? नहीं, सबका पास हो गया सर, 3 आदमी का पास नहीं हुआ है। तो पैसा आप कहे लिए थे? पैसा तो हम कागज बनाने का लिए थे। कौन कागज बनाने का? कागज बनाने का लिए थे आपका हैप्पी डिपिट, हम तो वकील हैं सर। हैप्पी डिपिट 1, बंसावली 2, LPC 3। तो LPC तो ब्लॉक में बनता है, बंसावली ब्लॉक में बनता है, सब सब पैसा आप क्यों लिया? वो हम लोग बनवाते हैं किसी से। कितने बनवाते हैं? ब्लॉक का एजेंट सब है, उसी से बनवाते। अब प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर की ओर से जिला स्कूल में लगाए जाने वाले 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला को लेकर रविवार को भागलपुर नियोजन कार्यालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के सहायक निदेशक भरत राम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक, नया बाजार, तिलकामांझी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर संपन्न हुई। दरअसल 22 और 23 नवंबर को भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी और जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान नौकरी की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए जागरूकता को लेकर रविवार को अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर की ओर से निकाली गई प्रभात फेरी के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेले में आकर आवेदन करने की अपील की गई। वहीं इसको लेकर सहायक निदेशक भरत राम ने कहा कि जिला स्कूल मैदान में प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें 40 कंपनियां भाग लेगी और वहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उसकी योग्यता के अनुसार कंपनियों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इधर प्रभात फेरी में कुशल युवा प्रोग्राम टीम के संचालक और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक किया। 22 और 23 नवंबर 2022 को जिला स्कूल परिसर में जो नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए अवेयरनेस प्रभात फेरी है ये। और आप देख सकते हैं कि KYP के हमारे जितने भी युवा साथी हैं और पूरी हमारी टीम है, उसके साथ हम लोग ये पूरे भागलपुर के विभिन्न जगहों पर चौक चौराहों से गुजरते हुए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस नियोजन मेला में भाग लें। हमारे पास करीब 40 कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की और करीब 5,000 लोगों को रोज़गार देना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस रोजगार मेला को सफल बनाएं। 22 और 23 नवंबर को 10 बजे जिला प्राधिकारी के द्वारा उद्घाटन भी होना है और 22 और 23 नवंबर को आकर के इस नियोजन मेला को सफल बनाना है। और आज की इस प्रभार फेरी का उद्देश्य भी है कि मिलजुल कर प्रयत्न करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित सहारा वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध महिला एवं पुरुषों को समाज सेवी विजय यादव द्वारा रविवार को साड़ी और कंबल वितरण किया गया। इस दौरान मानवाधिकार संरक्षण एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर में अलग अलग रोग से संबंधित चिकित्सकों ने वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्धजनों की स्वास्थ्य जाँच की। वहीं कार्यक्रम के दौरान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश झा ने बारी बारी से वहां मौजूद पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कर निशुल्क दवा वितरण किया और जरूरी सलाह भी दी। इससे पूर्व मानवाधिकार संरक्षण एंड एंटी करप्शन महिला विंग की प्रेसिडेंट अमिता कौशिक और उनकी टीम के सदस्यों ने शिविर में शामिल होने पहुंचे अतिथियों और चिकित्सकों को अंग वस्त्र और पौधा देकर स्वागत किया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवर ने सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को भागलपुर पहुंचे, जहां सवर ने सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान भागवत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवर्ण समाज के लोगों को दलित समाज का दुश्मन बताकर दलितों को डराने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सर गणेशन का बिहार है और यहां उनके द्वारा कई शिक्षण संस्थान और अस्पताल का
निर्माण कराया है जहां सभी समाज के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। भागवत शर्मा ने कहा कि 13 जनवरी को पटना में सर गणेशन की जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर वह भागलपुर के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने आए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से सवर्ण समाज के छात्रों को नौकरी में उम्र सीमा की छूट दी जाए, जिससे सवर्ण समाज के छात्रों को सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में 10% आरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ओबीसी छात्रों को जिस तरह से यूपीएससी बीपीएससी परीक्षा पास करने पर 50,000 का प्रोत्साहन राशि देती है, उसी प्रकार सवर्ण जाति के छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाए। सवर्ण सेना के द्वारा गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए हमेशा से मांग की जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने बड़े स्तर पर आंदोलन को से चलाया और देश स्तर पर यह आंदोलन खड़ा हुआ और मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दी, केंद्र सरकार ने आरक्षण दी। तो देखिए, आज जो आरक्षण मिला है उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। 10% आरक्षण मिलने के बाद भी कई तरह की त्रुटियां हैं, जैसे सवर्णों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है। सवर्ण समाज के छात्रों को, GWS के छात्र हैं, उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है। बिहार सरकार के द्वारा EWS के जितने भी छात्र हैं जो BPSC एवं UPSC की PT परीक्षा पास करते हैं, उन्हें सवर्ण समाज के छात्रों को बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं देती है। यही शेड्यूल ट्राइब एवं OBC के छात्रों को बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। तो हमारी यह मांग है कि बिहार सरकार जो शेड्यूल ट्राइब एवं OBC के छात्रों को जो प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारे EWS के छात्र हैं उन सभी छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। आज बिहार के विभिन्न जिलों में सवर्ण समाज की वर्तमान की स्थिति से मैं अवगत कराना चाहूँगा तो बहुत लंबा पीसी जाएगा, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिहार के सभी जिलों में बिहार सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त रूप से मिलकर के सवर्ण छात्रावास का निर्माण कराए, या सर गणेश दत्त के नाम पे हो या सर कृष्ण बाबू के नाम पे हो, जिन्होंने बिहार के उत्थान के लिए, इस देश के उत्थान के लिए बड़े स्तर पर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद की ओर से आयोजित बाल अधिकार सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस को लेकर सिविल सोसाइटी एवं बाल अधिकार विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की शुरुआत बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु, उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, श्रम अधीक्षक विनोद प्रसाद और संवेद के अध्यक्ष छाया पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान गांधीवादी विचारक डॉक्टर मनोज मेहता, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य विकास कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम कांत मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुमन चंद्रा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं सेमिनार में संवेद के विक्रम ने कहा कि विकास के दावों के बीच आज भी बाल अधिकार का लाभ बच्चों और समाज से काफी दूर है, जबकि वर्तमान में बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा बाल श्रमिक मौजूद है। उन्होंने कहा कि समाज का हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार है, जिसमें बाल विवाह और बच्चों की तस्करी समेत कई ज्वलंत समस्याएं भी हैं जिससे बचपन प्रभावित होता है। इधर सेमिनार में बोलते हुए मुख्य अतिथि राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि बाल श्रम का कारक गरीबी नहीं है, बल्कि बाल श्रम का कारक लोगों की मानसिकता है। उन्होंने कहा कि मानसिकता में परिवर्तन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, जिससे वर्तमान दशा और हालातों को बदला जा सके। इसके अलावा बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि बाल श्रम पर सभी चर्चा करते हैं, लेकिन हमें इसके समाधान पर चर्चा करनी होगी। कार्यक्रम का संचालन वर्षा ने किया, मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड की ओर से राजदीप कुमार राजा को भागलपुर नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस दौरान कार्यालय में सांगठनिक चुनाव के दौरान जदयू महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप कुमार राजा के नगर अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने पर बल देते हुए जदयू नेता ने कहा कि वार्ड 22 लोगों को कार्यों की जानकारी देकर संगठन मजबूती के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं आने वाले चुनाव में पार्टी को बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत करने को लेकर चर्चा करते हुए जदयू कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की बात कही गई। इधर नवनियुक्त भागलपुर नगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे और जन जन तक नीतीश कुमार के कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, जिससे पार्टी सशक्त और मजबूत बने। मौके पर जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के लिए हम समर्पित कार्यकर्ता 2013 से हैं। आप पार्टी की मजबूती की वजह से और कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर खड़े उतरे हैं, इसके लिए ही कार्यकर्ता ने चौथी बार मुझे नगर का जिला दे चुना है।
क्या बचा हुआ जो आगे कीजिएगा? बचा हुआ है कि हम अपने सरकार की नीतियों का, पॉलिसियों का, वार्ड वार्ड सेक्टर सेक्टर घूम के उनके विकास कार्यों का वर्णन करते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। विशेष अभियान मेरा शराबबंदी पे रहता है, नशाखोरी पे रहता है। जो बचा हुआ थोड़ा भी काम है उसको 3 साल में हम लोग नीतीश कुमार जी के कार्य को जन जन तक पहुँचाएंगे। शराबबंदी तो आपके ही क्षेत्र में ज़्यादा सुनते मिलता है। देखिए, किसी को रोका तो जा नहीं सकता है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, मगर सरकार इस पर जो है संज्ञान हमेशा लेती रहती है। और उन्होंने एक नया पॉलिसी बनाया है कि अब जो लोग पी रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, जो लाने वाले लोग हैं उन पर विशेष उनका अभियान चल रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभाले देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। दरअसल सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बात थाना क्षेत्र के नया गाँव पंचायत स्थित उत्तर टोला ऊंचा गाँव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर निकलती है और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती है। पिंकी ने अपनी स्थिति को वो साझा करते हुए बताया कि वो मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। वह 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वे 8वीं तक ही पढ़ाई कर सकी और वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गाँव में सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। उन्होंने कहा कि उसके पति के पास रहने के लिए खुद की जमीन भी नहीं है और उसके पति की मजदूरी राशि बहुत कम है जो सिर्फ घर और बच्चों के भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाती है। पिंकी ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं जिसको बेहतर शिक्षा देने के लिए वे ई रिक्शा चलाती है। पहले वो सब्जी बेचा करती थी लेकिन ज्यादा कमाई नहीं होने के कारण वो ई रिक्शा खरीद कर चला रही है जिसमें वो प्रतिदिन 500 से 800 रुपये कमा लेती है। वे अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहती है और उन सबको काबिल बनाना चाहती है जिसके कारण उसने मेहनत करनी शुरू की ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बना सके। तरह तरह के लोग मिलते हैं तो सब सोचता है गलत काम कर रहा है, गाड़ी चलता है तो गाड़ी टकराता है, जो आदमी चलाता है मर्दाना सब गाड़ी रास्ते में। तो आपको जो पैसेंजर लेके जाते हैं क्या महिलाओं को ही लेके जाते हैं या पुरुष को भी बैठाते हैं? दोनों को बैठाते हैं। क्या भाड़ा उड़ा लेने में कभी किसी तरह का नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? गांव से जब ई रिक्शा लेके पहली बार 1-2 दिन पहले निकले होंगे तो लोग बोलते होंगे कि यार कैसा लगा? लोग किस नजर से देखते हैं? देखते हैं ऊंचा नजर से, तो हम उससे हमको कोई मतलब नहीं, जो देखता है देखने दीजिए। क्यों ई रिक्शा छोड़ करके और दूसरे क्षेत्र में आप काम कर सकते थे, यही क्यों निर्णय लिए? हमको जो सही लगा उसके बाद किया, जितना सा क्षमता था उतने से करते ना। क्या अब ई रिक्शा चला करके क्या करना चाहते हैं? हम और कुछ मिलेगा सरकारी योजना से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बाल बच्चे के परिवार इससे हो जाता है? नहीं होता है, इससे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या जैसे ना? क्या परेशानी क्या होता है, कितनी कमाई रोज होता है? और कमाई के 300-400 होता है, उससे नहीं गुजारा हो रहा। कितने है? बाल बच्चे हैं आपके? 4 को, 2 लड़का 2 लड़की। पति कहाँ रहते हैं? पति दिल्ली में है। क्या वो जो भी कमाते होंगे तो दोनों मिला करके तो चल जाना चाहिए परिवार? नहीं चल रहा है ना, 6-8 को खाने वाला है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चारगाहा गांव में शादी के लिए पहुंचे दूल्हे और उसके पिता एवं बहनोई समेत बारातियों को बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बारात लेकर आई 3 गाड़ियों और उसके ड्राइवर को भी दुल्हन पक्ष के लोगों ने 2 दिनों तक बंधक बना लिया। वहीं इसको लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद समाप्त करने का काफी प्रयास किया गया लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। जिसके बाद वर पक्ष की ओर से तुरकौलिया थाना में आवेदन देकर उन लोगों को बंधु पक्ष से मुक्त कराने की गुहार लगाई गई। दरअसल विवाद तब शुरू हो गया जब शादी के बाद विदाई के समय वर पक्ष के द्वारा दुल्हन की मेडिकल जांच कराने की मांग कर दी गई। वहीं वर पक्ष के द्वारा कही गई बात से नाराज वधु पक्ष के लोगों ने शराबी बताकर दूल्हा और उसके पिता समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया और शादी में खर्च हुई राशि की मांग पर लड़की पक्ष के लोग अड़ गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।